अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अबूबकर 3D ज्वेलरी डिज़ाइन। सो दोस्तों, मैट्रिक्स 90 आज की इस क्लास के अंदर हम मैट्रिक्स आर्ट के बारे में सीखेंगे कि मैट्रिक्स आर्ट क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसको किस तरह से यूज़ करके हम लोग अपने रिंग्स में और सेट वगैरह में, टॉप्स में, मसलन हर चीज़ के अंदर किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ही कम्प्लीट बताऊँगा। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हम खुद से अपना यानी कि डिज़ाइन बना के किस तरह से मैट्रिक्स के अंदर उसको मैट्रिक्स आर्ट में सेव करके और अपनी मतलब का टेक्सचर बना के उसके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है कि हमने मैट्रिक्स आर्ट खोला, ये है मैट्रिक्स आर्ट, ये आर्ट लिखा हुआ है, ये है मैट्रिक्स आर्ट, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर पिक्चर में से अपनी मतलब का हमने टेक्सचर उठाया। मैं आप लोगों का भी कम्प्लीट बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि मैं आप लोगों को आज क्या समझाने जा रहा हूँ और क्या समझाने के लिए जा रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आज की वीडियो और बहुत अच्छी यानी कि आप लोगों के लिए होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी जो बातें मैं आज आप लोगों को मैट्रिक्स आर्ट के बारे में बताऊंगा और जो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आप उसको यूज़ करते हुए कोई भी किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करें शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो देखिए, ये हमारे पास खाली विंडो मैंने आपके सामने खोली हुई है इस वक्त और यहाँ ये आर्ट पर क्लिक करके ये आखिर में लिखा हुआ मैट्रिक्स आर्ट, मैट्रिक्स 9 के अंदर कुछ इस तरह से आता है ये मैट्रिक्स आर्ट। ठीक है, यहाँ पर होगा, मैट्रिक्स 8 में कहाँ होगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, वो आपको देख लीजिएगा सर्च करने के जहाँ भी आपके सामने हो। बहरहाल मैट्रिक्स 9 में ये आर्ट पे मैंने क्लिक किया, ये है मैट्रिक्स आर्ट, इस पर क्लिक किया तो साइड पे मेरे पास ये बार खुल के आ चुकी है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले अब हम एक काम करते हैं, कर्व मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी का हमने इसको ड्रॉ किया और इसको यूटिलिटी में जाके हमने यहाँ से सेंट्रलाइज कर लिया, ये हमने सेंटर करा, ये हमारे पास सेंटर आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस कर्व को लेना है और लेयर में जाना है, जहाँ इस खाने में ये देखिए लिखा हुआ कर्व, इस खाने के अंदर हमने इस कर्व को यहाँ प्ले कर देना, ये हमने प्ले कर दिया। उसके बाद आप देखें, अब ये कर्व जो है ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये सरफेस बन के आई है। उसकी वजह इसलिए है कि यहाँ पे जो प्रोफाइल है हमारा, जिस तरह का ये प्रोफाइल होगा उस तरह की यहाँ पे हमारी सरफेस होगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोफाइल चेंज करके बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लोड प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोफाइल हमारे पास मौजूद है। मैं कोई भी पहला वाला प्रोफाइल लेता हूँ और इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें कैसी हमारे पास शेप बन के आई है, यहाँ से पहले एक घाट बना हुआ, फिर यहाँ से चौरस, फिर यहाँ से घाट, क्योंकि जैसा प्रोफाइल होगा वैसी हमारे पास सरफेस बन के आएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा प्रोफाइल होगा हम वैसा ही इसमें काम करेंगे या उसको चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट पकड़ेंगे और ये देखें जैसे जैसे मैं पॉइंट को जहाँ जहाँ लेके जा रहा हूँ सरफेस हमारी वैसे वैसे मूव कर रही है। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं, इस पॉइंट को लेके इसको मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये देखें ये सरफेस हमारी मूव कर रही है, अगर मैं ज़्यादा नीचे जाता हूँ तो ये देखें सरफेस हमारी डीप हो रही है, डाउन हो रही है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे ले आता हूँ, अभी आपकी मर्ज़ी है आप सरफेस को कहाँ पर लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से प्रोफाइल दोबारा चेंज कर लेते हैं, अब ये प्रोफाइल लेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, देखें ये हमारे पास गोल शेप में आ रहा है, पहले यहाँ से घाट बना हुआ गोल। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के आप प्रोफाइल लेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की शेप्स आएंगी और उसके बाद आप अपनी मर्जी से इन प्रोफाइल के जो पॉइंट्स हैं तो यहाँ से सेट करके अपनी मर्जी का ये जो सरफेस है ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये है हमारी अपडेट रेजोल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने हमेशा थोड़ा थोड़ा करके 15 पे 16 पे जहाँ हमें अच्छी लगे वहाँ पे जाके हमने इसको अपडेट करना है और इसको देखना सरफेस में कुछ क्लियरनेस आई है, कुछ बेहतरी आई है। अगर 15 पे 16 पे जाके आपको लगे सरफेस में ये थोड़ी सी सरफेस ख़राब हो रही है तो आपने इसकी अपडेट कम करके यानी कि जो अपडेट है वो कम करके यहाँ से फिर इसको अपडेट करना है। उसके बाद देखना है कि ये कुछ क्लियर हो रही है, अगर ना हो तो थोड़ी ज़्यादा करके फिर यहाँ पर क्लियर करें तो ये देखेंगे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है हमारी। ठीक है, अभी ये किस तरह क्लियर होती है ये मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड विंडो में, ये है पिक्चर्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये हमारे पास खाली खाना बना हुआ है, इसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें अपने कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा और ये पूछेगा भाई पिक्चर्स कहाँ पड़ी हुई है जो आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, वो पिक्चर आप उठाएं। ठीक है, तो मैं आपके सामने देखें इस बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूँ, अगर इसके अंदर क्लिक नहीं करना तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ लोड बिट मैप, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो भी उधर ही जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तब भी अपने कंप्यूटर के अंदर ही जाऊँगा, वो आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहें वहाँ मर्जी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा कंप्यूटर टेक्स्ट मेरे पास खुल के आ चुका है। अब वो टेक्स्चर्स कहाँ पड़े हुए हैं वो मैंने देखने हैं, मैं जाता हूँ ई फोल्डर में थोड़ा सा, तो ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये मुझे मेरे कंप्यूटर के अंदर ले आएगा।
उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ से ई ड्राइव में और यहाँ थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ से ये है टेक्सचर्स का फोल्डर, ठीक है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से। अभी देखिए यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के ये टेक्सचर्स पड़े हुए हैं, मैं कोई भी टेक्सचर यहाँ से उठा लेता हूँ, जैसे कि ये ले लेते हैं, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। उसके बाद इसको एंटर करते हैं, जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है और उसके बाद अब ये सारा टेक्सचर यहाँ पे आ जाएगा। वो कैसे आएगा अभी हम थोड़ा यहाँ वेट करते हैं। ये देखिए ये टेक्सचर हमारा यहाँ पे आ चुका है, ओके। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिट मैप हाइट, मतलब कि इसका जो हाइट है, मतलब गेज जो है, जैसे हम ऑफसेट गेज देते हैं ऑफसेट सरफेस करके, उसी तरह से वो इसको गेज पूछ रहा है कि आपने कितना रखना है। यहाँ आपका ऑटोमेटिक 1 mm आएगा, वो आपकी मर्जी है कि आपने कितना रखना है। हम यहाँ से 0.5 करते हैं इसको, 0.5, और ये कम हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइज विद। अब ये इसको अगर हम छोटा करते हैं यहाँ से ऐसे, तो ये देखिए टेक्सचर हमारा छोटा हो रहा है, ठीक है, ये छोटा हो रहा है। अब ये एक चीज देखिए, मैंने जितना छोटा किया यहाँ पे टेक्सचर हमारा नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइल बिट मैप, ये ऑफ है। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, तो ये टेक्सचर सारा इसके ऊपर अप्लाई होके आ जाएगा। तो अब ये देखिए हमारा जो जितना भी टेक्सचर था यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ये देखिए जो साइज भी था, तो थोड़ा सा पीछे बैक लेके जाता हूँ, तो ये हमारा जो टेक्सचर है ये खुल रहा है। जितना इसको मैं बारीक करूंगा, ये इस तरफ लेके जाऊंगा, ये बारीक होता जाएगा, और ज्यादा बारीक ही करेंगे तो ये नुमायापन नहीं अपना दिखाएगा। तो इसलिए हमने इसको इतना यहाँ पे खुला रखना है कि जब हम इसको अप्लाई करें तो ये अपना नुमायापन दिखाए, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ साइज हाइट, ये आप यहाँ से इसको छोटा ये कर सकते हैं, ठीक है, ये लिखी हुई है, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ ऑफसाइड एक्स, इस पॉइंट से आप टेक्सचर को इधर ले जा सकते हैं, और ऑफसाइड वाई, यहाँ से आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ लिखा हुआ रोटेट, ये है रोटेट, रोटेट से आप टेक्सचर को ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से टेक्सचर को अपने ऐसे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जैसे आपको सूटेबल हो, अच्छा लगे। ये देखिए ये घुमा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे, ये आप यहाँ घुमा लें, यहाँ घुमा लें, यहाँ घुमा लें, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास अगली ऑप्शन है, अब देखिए ये टेक्सचर आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी जो अपडेट रेजोल्यूशन है तो कम करते हैं 18 पे, और उसको यहाँ से अपडेट करते हैं और देखते हैं, नहीं ये टेक्सचर के ऊपर थोड़ी सी लाइनिंग आ रही है, तो हम थोड़ा सा कम करते हैं, 15 पे ले जाके अपडेट करते हैं, तो ये नहीं थोड़ी सी और ख़राब हो रही है, हम इसको ज़्यादा करते हैं 20 पे ले जाके अपडेट करते हैं, तो ये थोड़ी सी इसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन हम इसको 18 पे करके देखते हैं, 19 पे भी ठीक ही आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी रेजोल्यूशन कम ज़्यादा करके देखना है कहाँ पे आपको ये पत्ते वगैरह इसके सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगली ऑप्शन है इसकी इफेक्ट्स की, इसमें अभी और भी बहुत सी ऑप्शन हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे है इफेक्ट्स, इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखें इफेक्ट्स में आने के बाद हमने जस्ट यहाँ से ये बोथ एंड लिखा हुआ इस पर क्लिक करना है, यहाँ से सर्कल ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा, और यहाँ पे ये हाई, इस पर हाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा टेक्सचर एकदम से क्लियर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से आपने वही चीज़ें हैं इसकी डायमीटर है, स्टेशन, जो पीसी हमने ऑप्शन किए हैं वही ऑप्शन इसकी यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए आपने अभी फिलहाल इसका ऑप्शन किसी को नहीं छेड़ना, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जो ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ, जो चीज़ हमारे काम में आने वाली है, जो टेक्सचर हम पीस पे अप्लाई कर सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद ये देखें ये अगली विंडो है हमारी, ठीक है, स्कल्पिट, इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारी क्या काम करती है, ये कुछ हमारी इस तरह से काम करती है कि पहली विंडो ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे और किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सरफेस को ऐसे कर देंगे, ये देखिए, ठीक है, जैसे ZBrush के अंदर हम सरफेस उठाते हैं अपनी मर्जी से, ये देखिए उठा रही है। अब मैं अगर शिफ्ट दबा के इसको करता हूँ तो ये देखिए ऊपर उठा रही है, कंट्रोल दबा के करता हूँ तब ये ऊपर उठा रही है। अब जो अगली वाली हमारी ये विंडो है इस पर क्लिक करते हैं, तो अगर इस पर क्लिक करने के बाद अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऐसे, तो ये देखिए ये सरफेस पहले ऊपर उठा रही थी, अब ये अंदर की तरफ डीप लेके जा रही है, ठीक है, ये देखें ऐसे। उसके बाद ये हमारी स्मूथ करेगी, इस पर क्लिक करके तो देखें ये हमारी स्मूथनेस लेके आ रही है, जो नोके वगैरह निकलती है हमारी सरफेस के अंदर ये उसको क्लियर कर रही है, ठीक है, ये देखें स्मूथनेस पैदा कर रही है पीस के अंदर। उसके बाद ये देखें ये वाली आ गई नेक्स्ट, ये भी कुछ इसी तरह से काम करेगी, ये देखें ये क्लियर, ये जो बारीक दीवार है ये इनको बनाएगी, ये देखें ऐसे ये कर रही है, ये देखें। उसके बाद ये देखें ये है फेड, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा कुछ ऐसे काम करेगी, देखिए ये सरफेस सारी हमारी ऐसे काम कर रही है, ये कुछ क्लियर करेंगी, ये सारा काम इनका ऐसे ही है जैसे ZBrush में हम काम करते हैं वही कमांड यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, ये हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद ये इरेज, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद तो ये देखें ये ऊपर की तरफ उठा रहा है इसको, ठीक है, और पहले
ये नोके नहीं निकाल रहा, ये ऊपर की तरफ उठा रहा स्मूथनेस करके, ठीक है। ये देखें, ये नोक्स नहीं निकाल रहा इसकी, ये देखें, ये इसने ये जैसे दीवारें होती है ना बारीक बारीक, ये वो चीज़ बनाता है यहाँ पे। जैसे ये देखें, ये बनाना शुरू कर दी इसने दीवारें, ये हमारी इरेज ये चीज़ काम करती है, ठीक है। और इसके नीचे कौन कौन सी ऑप्शन है वो आपको मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये सारी ऑप्शन ऐसी हैं जैसी हमने यहाँ पर सेट की है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो ये देखें सारा ख़राब हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या करना है। अब हमने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमने यहाँ से क्रिएट मैच करना है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा ये क्रिएट मैच हो गया, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ गया था जिसकी वजह से हमारा टेक्सचर ख़राब हो गया, तो कोई मसला नहीं है। प्लास्टिक करते हैं तो हमारा टेक्सचर ही ख़राब हुआ है, कोई इतना इशू नहीं है। हम इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से इस कर को लेके इसमें डाल देते हैं, और यहाँ से सरफेस पे यहाँ पे क्लिक करके ये टेक्सचर दोबारा से उठा लेते हैं, यहाँ से एंटर मार देता हूँ। तो यहाँ से जब इस वाली विंडो से डायरेक्ट जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये टेक्सचर हमारा ख़राब होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी हाइट की थी 0.5, दोबारा 0.5 कर देते हैं, टेक्सचर को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से अपडेट 19 पे रेजोल्यूशन करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं, हाई करते हैं बोथ एंड, बिल्कुल ठीक है इसका। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा हमने यहाँ से कुछ नहीं छेड़ना, हमने जस्ट यहाँ से क्रिएट मैच करना है। जब हम क्रिएट मैच करेंगे तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पे ये मैच होके आ गया। तो मैं इसको प्लास्टिक व्यू में दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें ये हमारा कितना इजीली यहाँ पे अच्छा बिल्कुल प्लास्टिक मूड में आ चुका है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे एक काम और भी करेंगे, वो ये कि हम खुद का टेक्सचर बनाकर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, तो हमारे पास ये टेक्सचर बन के आ चुके हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं इसको देखें, एक मैं इस वहाँ पे फिलहाल हाइड कर देता हूँ इसको, मैं ये वाला कलर दे के यहाँ से बंद कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। उसके बाद एक काम और भी आप कर सकते हैं, इसको आपने पकड़ा और यहाँ से इसको ब्लास्ट किया और यहाँ से आपने इसको सरफेस को डिलीट कर दिया। अब ये सरफेस जो हमारी सॉलिड नहीं रही, जैसे हमारा ठप्पे का काम होता है अब ये वो चीज़ बन चुकी है, लेकिन अभी हमारी सरफेस बगैर गेज की है। इसको हम गेज कैसे देंगे, ये यहाँ पे जाके देखें मैश, ये है मैश, इसकी मैश की पूरी ये यहाँ पे विंडोज खुली हुई सारी कमांड मौजूद है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और इस सरफेस को भी हमने जो गेज देना है वो यहाँ जाकर देना है इस वाली विंडोज में आके, और वो कैसे देना है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी मैंने आपको इतना ही बताया कि इसको ब्लास्ट करके पीछे से खाली कैसे करना है और इसको बाद में गेज कैसे देना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से फिलहाल हाइड कर देता हूँ, ये कलर देके मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब ये देखिए मैं जाता हूँ लुकिंग डाउन में और इस कर को मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं अपनी मर्जी का कोई भी टेक्सचर बना लेता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ से कर्व लेता हूँ और एक F4 दबा के मैं यहाँ पे एक पत्ता क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैंने ये मरोड़ी बना ली, ठीक है, ये मैंने मरोड़ी बनाई, ये बना ली, इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल पॉइंट देकर ठीक करता हूँ ताकि शेप ठीक आ जाए, ये मैंने ठीक कर लिया। उसके बाद एक दोबारा इंटर कर लिया और यहाँ से इसको हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, इसको कंट्रोल पॉइंट देके मैं शेप ठीक करूँ उसकी, यहाँ से ऐसे ये चीज़। अब हमने क्या करना है इसको स्केप, और स्केप करने के बाद अब देखें इसको मैं पहले करता हूँ ज्वाइंट, ये ज्वाइंट किया, अब कंट्रोल पॉइंट यहाँ से पॉइंट पकड़ा और उसको यहाँ से काट दिया हमने, ठीक है। अब एक ये कर्व आ गया हमारे पास, एक ये कर्व आ गया। अब हम लेते हैं आर्क और एक आर्क यहाँ रखते हैं और एक यहाँ पे, तो फिंगर में जाते हैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं ये कर्व आर्क ली, कर्व लिया सेलेक्ट किया, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और उसके बाद ये देखें ये है ओरियन 2 पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम जहाँ जहाँ पे लगाना चाहें इस आर्क को हम वहाँ पे लगा सकते हैं, ये देखें ये मैं आपके सामने यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हमने आर्क लगानी है, जितनी जितनी आगे जगह बड़ी होती जाएगी आर्क हमारी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। अब मैं इसको आर्क को थोड़ा सा नीचे करता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये नीचे कर दिया मैंने। के बाद स्केप किया और इन तमाम को पकड़ा और सरफेस में गए, कंट्रोल नेटवर्क कर दिया, प्रीव्यू एंड देन ओके, ये मैंने ओके कर दिया इसको। उसके बाद इसको हमने कर्व कर दिया डिलीट, डिलीट नहीं हाइड कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं गेज, ये मैंने गेज किया 0.15, ठीक है, ये मैंने 0.15 इसको गेज कर दिया। अब हम क्या करते हैं इसको प्लास्टिक व्यू में जाते हैं और इसको थोड़ा सा मिरर ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको करते हैं मिरर, ये हमने मिरर किया, इसको हमने किया ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद अब हम इसको यहाँ पर F4 यहाँ पे मिरर करते हैं, ये हमारा इधर मिरर हो गया। उसके बाद इसको हम डुप्लीकेट लेके यहाँ से इधर निकालते हैं ऐसे, ठीक है, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर मिरर कर देते हैं, ये हमने मिरर कर दिया और डुप्लीकेट निकाला एक और यहाँ पर ऐसे,
इसको हमने यहाँ पर मिरर कर दिया, ये हमारे यहाँ मिरर हो गया, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट लिया, इसको यहाँ पे हमने रखा और इसको हमने यहाँ पे ऐसे मिरर कर दिया। तो हमारे पास ये कुछ पीस बन के, हमारे पास मरोड़ी के पीस बन के आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले मैं खोलता हूँ आर्ट, ये मैंने आर्ट खोल ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जाना यूटिलिटी में, उसके बाद ये देखें, ये लिखा हुआ है शो जेड बफर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारा वाइट हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले तो हम यहाँ पे गए थे, ठीक है, या यहाँ पे आए थे, ठीक है, क्योंकि पिक्चर फ्रेम में जाके हमने यहाँ पे क्लिक करके टेक्सचर उठाया था, ओके। अब हमने क्या करना है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ कन्वर्ट टू बिट मैप, अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाली ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वो कह रहा है सेलेक्ट एरिया टू सेव एज बिट मैप, सेलेक्ट एरिया, कितना एरिया हमें सेलेक्ट करना है, जो सेव करना है वो सेलेक्ट करें। हम यहाँ पे पॉइंट रख के इतना एरिया यहाँ से ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सेलेक्ट किया। उसके बाद वो ट्रैक हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर ले गया कि आपने ये पिक्चर कहाँ पे सेव करनी है। हम यहाँ पे डेस्कटॉप क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी नाम दे के, मैं जैसे पिक्स का नाम दे के इसको सेव करता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ से दोबारा क्लिक करता हूँ और हमारे पास ये टेक्चर आ गया, ठीक है। अब इस टेक्चर को लेके मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ये मैंने हाइड कर दिया और इस सरफेस को मैंने कर्व को सॉरी खोला। अब इस कर्व को लेके यहाँ पे क्लिक किया और इसमें डाल दिया, ठीक है, और ये हमारे पास सरफेस वैसी ही आ गई जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट सेट किए थे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट जैसे सेट किए थे, ये वैसे ही वहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अब हमें जो टेक्सचर उठाना है वो वाला उठाना है जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया था अपनी मर्जी का, ठीक है। आप कोई भी टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मरोड़ियाँ वगैरह बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे टेक्सचर उठाने के लिए, ना कि यहाँ पर। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब हमसे पूछा टेक्सचर आपका कहाँ है, अब हमने पहले यहाँ से टेक्सचर उठाया था ना, अब जो हमने खुद अपना टेक्सचर बनाया वो हमारा डेस्कटॉप के ऊपर बना हुआ है यहाँ पे, ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एंटर मारेंगे। अब देखिए जैसे मैं इस पर एंटर करूंगा तो हमारा जो टेक्सचर था वो हमारा इसके ऊपर आ जाएगा, ये देखिए ये कैसे इसके ऊपर स्मूथली आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 0.5, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ले जाके इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से टाइल बिट मैप, उसके बाद यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ऐसे छोटा, यहाँ पे ऐसे लुकिंग डाउन में जाते हैं और लुकिंग डाउन में जाके हम यहाँ से इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, वो ऐसे के यहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ बड़ा होगा हमारा टेक्सचर, और उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे आएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमारा टेक्सचर यहाँ पे इजीली आ चुका है, ठीक है। उसके बाद वही वाली ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताई है, हमने इसकी अपडेट करनी है रेजोल्यूशन और अपडेट करके देखना है ठीक आ रहा है हमारा, ठीक आ रहा है, ओके आ रहा है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद वही ऑप्शन इफेक्ट्स में जाएंगे और बोथ एंड करेंगे, यहाँ से हाई करेंगे और इसको जस्ट यहाँ से क्रिएट मैच करेंगे। जैसे क्रिएट मैच करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा, मैं आपको प्लास्टिक व्यू में दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कितना इजीली हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और इसको भी हम इसी तरह से यहाँ से पकड़ के ब्लास्ट करेंगे। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्लोर अ पॉली मैश इंटू टू मैशेज, ठीक है, ये यहाँ से ब्लास्ट हो चुका है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें इसके अंदर भी वैसे ही ये ब्लास्ट होके ये गेंद हमारा सरफेस हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपना टेक्सचर अपनी मर्जी का बना के इसके अंदर मैट्रिक्स आर्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम गूगल से तस्वीर उठाएं और इसके ऊपर हम अब तस्वीर उठा के इस पर अप्लाई करें, अपनी मर्जी से टेक्सचर हम बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपके सामने अभी बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला हमारा टेक्सचर यहाँ पर था, इसको मैं खोल के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। ये मैंने आया यहाँ पर इसको और इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया, ठीक है, इसको मैंने ये वाला कलर दिया और दोनों को थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, इस वाले को इधर, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ठीक है, ऐसे ये हमारा यहाँ पे आ गया। उस ये देख ले, यह टेक्सचर आपके सामने मौजूद है यहाँ पर ऐसे। तो कुछ इस तरह से हमने इस टेक्सचर को अप्लाई करना है और इसको हमने ऐसे बनाना है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है यहाँ पे टेक्सचर। ये देखें मैंने कितना ईजीली कितनी आराम से अपनी मर्जी का टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई किया है। ये मैंने आपके सामने पिक्चर उठाई थी उसका टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ मैंने अपनी मर्जी से टेक्सचर अप्लाई किया। ये दोनों तरीके से अब आप अपने मर्जी से टेक्सचर भी बना सकते हैं और कोई पिक्चर उठा के आप टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से बनाएं और जैसे चाहे वैसे यूज़ करें, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। और वीडियो कैसी लगी है या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको जो पॉली सरफेस मैश सरफेस है इसको हम गेजेस वगैरह कैसे देते हैं और उसको अप्लाई
सरफेस पे या किसी भी चीज़ पे अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये देखें ये मैश की हमारी कमाल है विंडो, इसका सारा यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।